हाय गाइस, मेरा नाम है डेनिस और आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव पापराजी। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा रेनॉल्ट ट्राइबर ऑटोमेटिक के बारे में, क्योंकि इसकी जो लॉन्च डेट है वो पता चल चुकी है एज पर न्यू रिपोर्ट। सो इससे पहले मैं और इन्फॉर्मेशन दूं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकॉन, ताकि आप मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियोज पर नोटिफिकेशन पा सके। एंड गाइस, अगर आप लोग के पास मेरे लिए कोई क्वेरी है या कोई स्पाई शॉट है, मेक श्योर टू ईमेल मी ऑन माय ईमेल एड्रेस जो है automotivepaparazzi@gmail.com। सो एक छोटी सी इंट्रो चलेगी, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी जो हमें करंटली रेनॉल्ट ट्राइबर में इंजन मिल रहा है, दैट इज 1 लीटर 3 सिलेंडर यूनिट, जो हमें क्विड में भी देखने को मिलता है। और इसकी जो पावर है दैट इज 71 BHP एट 96 Nm ऑफ पीक टॉर्क। सो अब जो हमें नया इंजन मिलने वाला है, दैट विल बी 1 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, जिसकी पावर होने वाली है इंक्रीज। अभी फ्यूल इकोनॉमी फिगर्स लीक हुई नहीं है, बट पावर हो सकती है 99 BHP एट 160 Nm ऑफ पीक टॉर्क, जो बहुत ही ज़्यादा बम्प है। एंड ये सिर्फ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही मिलने वाला है इंजन। और जो इसकी लॉन्च डेट है दैट इज़ रिवील्ड, इट कुड बी लॉन्च्ड ऑन 18 May। जी हमने सही सुना, 18 मई को हो सकता है रेनॉल्ट ट्राइबर ऑटोमेटिक का लॉन्च। और चीज़ों के बारे में बात करें, हम इसमें और चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बस ये एक टाइप से अफोर्डेबल MPV होगी विद मोर पावरफुल इंजन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सो आई कैन नॉट वेट टू सी इट। मैं पहले भी रेनॉल्ट ट्राइबर को तभी रिव्यू करा था जब ये लॉन्च नहीं हुई थी। इस बारे में अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं इसका रिव्यू लेके आऊँ। सो गाइज, आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकॉन, ताकि आप मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियोज पर नोटिफिकेशन पा सकें। टिल माई नेक्स्ट वीडियो।